हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हाउ ज्यूज फर्स्ट माइग्रेटेड टू पैलेस्टीन एंड हाउ इजराइल वाज फॉर्म्ड। तो ये देखने से पहले हमें तो पता होना चाहिए पैलेस्टीन इजराइल है कहाँ पे, ज्यूज कहाँ पे रह रहे हैं और अरब्स कहाँ पे रह रहे हैं। एक बार चलिए लोकेशन में हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ये रहा हमारा प्यारा भारत, और भारत के बाद यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं इसराइल के पास, क्योंकि ये लोकेशन, ये जो पाथ मैंने बताया बहुत बार बता दिया, अब डायरेक्ट हम लोग इसराइल को देख लेते हैं। इसराइल भी एक्चुअली मैंने बहुत बार बता दिया है, पर फिर भी क्लेरिफाई करने के लिए एक बार देख लेते हैं। ये है आपका इसराइल का बॉर्डर जो मैं बना रहा हूँ, आप देखिए, ये इसराइल का बॉर्डर हो गया, ठीक है। और जस्ट अ सेकंड, ये हो गया आपका गाजा स्ट्रिप और ये हो गया आपका वेस्ट बैंक। यहाँ पे पैलेस्टीनियन रह रहे हैं, पैलेस्टीनियन रह रहे, ये गाजा स्ट्रिप है, ये वेस्ट बैंक है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपके ज्यूज रह रहे हैं, यहाँ पे आपके अरब्स रह रहे हैं, इन दोनों जगह पे अरब्स रह रहे हैं। तो यहाँ पे यही बात हो रही है, कैसे यहाँ पे ज्यूज का माइग्रेशन हुआ। द इजरायली मिलिट्री हैज़ ऑर्डर्ड लैक ऑफ सिविलियन टू लीव गाजा सिटी एज इट प्रिपेयर फॉर अ पॉसिबल ग्राउंड ऑफेंसिव। While the northern contour of the Israel-Palestinian conflict, while the modern contour of the Israel-Palestinian conflict were are well known, how did Jewish migration to Israel first begin? तो ये कहाँ से हुआ? Anti-Semitism and Zionism. According to the Hebrew Bible, Israel is a name God gave to a Jacob, the grandson of the Abraham, the descendant of Abraham's sect led in Canaan, which is roughly the territory of the modern Israel. Millennia later, it is in the late 19th century, the late of Canaan was a part of Ottoman Sultanate. The follower of the Judaism or Jews were living in many countries, often as a prosperous minorities, but vulnerable to persecution, especially in Europe. तो यूरोप में उनको प्रोसिक्यूट किया जाता था, प्रोसिक्यूशन होता था मतलब सताया जाता था। इम्पीरियल रशिया सो पोग्रोम्स टारगेटिंग ज्यूज इन 1880s, इन फ्रांस द ड्रीफस अफेयर इन 1894, इन विच अ ज्यू सोल्जर वॉज फॉल्सली कन्विक्टेड ऑफ पासिंग द इंफॉर्मेशन टू जर्मनी, हाईलाइटेड द प्रेलेवेंट एंटी सेमिटिक प्रिजुडाइज। कि हम किसी और को देख के पहले ही मान ले कि उसने ये गलती की है। अ फीलिंग बिगैन टू ग्रो इन द ज्यूज कम्युनिटी दैट दे वुड नॉट बी सेफ टिल दे हैड अ कंट्री टू कॉल देयर ओन। तो उन लोग को लगा भाई जब तक हमारी अपनी कंट्री नहीं होगी तब तक हम लोग सेफ नहीं होंगे। दिस मूवमेंट ऑफ ट्राइंग टू एस्टेब्लिश अ ज्यूइश होमलैंड केम टू बी नोन एज जीनोइज्म, ठीक है। तो जीनोइज्म का हो गया जब वो अपना देश खुद सोचने लगे बनाने का, कि कहाँ पर अपना देश बनेगा। और ये एंटी सेमिटिक प्रिजुडाइज, कि भाई कुछ गलत हुआ है तो आप देखिए ये तो ज्यूइश ने किया होगा। इनिशियली कंट्रीज लाइक युगांडा एंड अर्जेंटीना वर कंसिडर्ड एज द पोटेंशियल लोकेशन फॉर दिस होमलैंड, हाउएवर ओपिनियन सून सेटल्ड ऑन पैलेस्टीन वेयर द बिबलिकल होम ऑफ ज्यूज हैड वंस स्टूड एंड वेयर मेनी ऑफ देयर होली साइट्स वर स्टिल लोकेटेड। तो इन लोग को लगा भाई जब अपना पुराना होली साइट्स भी वहीं पर है तो चलो वहीं पर आ जाए, अर्जेंटीनिया और युगांडा में हमें क्या करना। बिफोर वर्ल्ड वॉर वन क्या सिचुएशन थी देखते हैं। सून Jewish migration to Palestine began. The migrant brought a large stack of land and set to farming it. तो उन्होंने वहाँ पे farming start कर दिया। Palestine at this time was just one province of the vast Ottoman Empire. Absentee landlordism was common. तो वहाँ पे absentee landlordism था कि लोग वहाँ पे दे के किराए पे चले जाते थे, उनको नहीं मतलब, उनको बस प्रॉफिट से मतलब होता था। वहाँ पे वो लोग फार्मर्स के साथ क्या हो रहा है, कैसे पैसा दे रहे हैं, भेज रहे हैं, उन लोग को नहीं मतलब, ठीक है। दस लैंड वॉज बींग सोल्ड टू ज्यूज बाय लैंड ओनर हु डिड नॉट लिव इन दोज पार्ट्स बाय द ओटोमन ऑफिशियल्स। तो वहाँ पे ऑफिशियल्स जो नहीं रहते थे वो ज्यूज को लैंड बेच दिए। हु वर ओपन टू ब्राइबिंग, जो करप्शन जो करते थे। लोकल रेसिडेंट्स एंड एक्चुअल टिलर्स ऑफ द लैंड हैड स्टिल in it, ठीक है। Unlike the Jews who had always lived in Palestine, these new residents spoke little Arabic and mingled only among themselves, while earlier Arab laborers who hindered to work on their farm as
more and more Jews procured in days to became infrequent. Alarm and resentment against the newcomer grew. जब ये लोग वहाँ पे जाने लगे तो इनके अगेंस्ट वहाँ पे अलार्मिंग सिचुएशन हो गई कि भाई कौन आ रहा है, इतना पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, कौन है ये लोग? क्योंकि अरब तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि वो लोग आपस में मिंगल करते थे. आउटसाइड पैलेस्टीन ज्यूज वर्क टू गेन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर देयर कास्ट. तो पैलेस्टीन के बाहर वो लोग अपना इंटरनेशनल सपोर्ट के लिए काम करते थे. द बेलफोर डिक्लेरेशन. व्हाट पॉसिबली चेंज द फेस ऑफ वेस्ट एशिया फॉर एवर वॉज द बेलफोर डिक्लेरेशन. क्या है ये बेलफोर डिक्लेरेशन ऑफ 1917. द ब्रिटिश गवर्नमेंट नीडेड ज्यूज बैकिंग इन द वर्ल्ड वॉर वन एफर्ट्स टू सिक्योर द फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर जेम्स बेलफोर इन अ लेटर टू बैरन लियोन वॉल्टर रॉथशाइल्ड प्लेज सपोर्ट टू द जॉइंट्स कॉज. तो इन्होंने बोला जॉइंट्स क्या था हमने यहाँ पे देखा जोइनिज्म कि भाई हमें अपना कंट्री चाहिए. किसको चाहिए? ज्यूज को अपना कंट्री चाहिए. तो इन्होंने बोला हम इसके साथ देंगे, तुम हमें वर्ल्ड वॉर वन में साथ दो. बाय नाउ पैलेस्टीनियन नेशनलिज्म वॉज ग्रोइंग. वेरियस ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन हैड कम अप टू वॉइस अपोजिशन टू द इंक्रीजिंग ज्यूस इन्फ्लुएंस. हाउ एवर दिस वर रिडन बाय फैक्शनलिज्म एंड लैक्ड द ऑर्गेनाइजेशन एंड सिंगल माइंडेड फोकस ऑन द ज्यूस बॉडीज. द लॉन्ग शिमरिंग कॉन्फ्लिक्ट हैड क्रिएटेड इंड्योरिंग हॉस्टिलिटी एंड mistrust between the two communities and was flaring up into sporadic instances of violence. अब यहाँ पे ब्रिटिश वायलेंस क्या है, ब्रिटिश मैंडेट क्या है? आफ्टर द डिफीट ऑफ ऑटोमन एम्पायर इन द वर्ल्ड वॉर वन इट्स अर्स्टवाइल डोमिनियंस वर डिवाइडेड अमंग द अलाइज. पैलेस्टीन फेल अंडर द ब्रिटिश मैंडेट. दिस पीरियड स्पेशली 1930 टू 1938 वॉज मार्क्ड बाय वाइड स्प्रेड वायलेंस. तो यहाँ पे काफ़ी वायलेंस हुआ. द अरब फ्रस्ट्रेशन एंड फीलिंग बिगिंग चीटेड वर इरप्टिंग इन टू अटैक्स ऑन ज्यूइश सेटलमेंट ऑन रेल रोड ट्रैक्स ऑन सिविलियंस. तो यहाँ पे अरब्स को लगा हमें चीट किया गया, तो वो लोग इन लोग के ऊपर अपना गुस्सा निकालते थे वायलेंटली. दे वर ऑल्सो रिजिस्टिंग द ब्रिटिश बिलीविंग दैट द फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश वॉज असेंशियल इन सॉल्विंग द ज्वाइंट प्रॉब्लम. ठीक है, तो उनको ये था कि ब्रिटिश से हमें फ्रीडम चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकें. ज्यूज बार ना हो had efficient intelligence wing and trained disciplined militia and were retaliating. The British, in cracking down on the Palestinian, were imposing collective punishments on entire village. So British yahan pe collective punishment de raha tha logo ko. On the Arab side, broadly, two rival factions emerged. Under the Grand Mufti of Jerusalem, Muhammad Amin al-Hussein, and the influential नशाहिबी फैमिली द आर्म रेजिस्टेंस ग्रुप वर ऑफन एंटायरली डिसलोकेटेड फ्रॉम द पोलिटिकल रेजिस्टेंस फैक्शन. अराउंड दिस टाइम द पील कमीशन वॉज सेटअप बाय द ब्रिटिश प्रपोज पार्टीशन एज द ओनली सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. तो यहाँ पे पील कमीशन, इनका काम ही है क्या सालों का कि ओ माई गॉड सालों बोल दिया मैंने, इनका काम ही है क्या कि यहाँ पे पार्टीशन करवाना, इंडिया में भी करवा दिया, वहाँ भी करवा दिया. The Jewish side negotiated for a better term, but the Palestinian side boycotted the suggestion. तो यहाँ पे देखिए उन्होंने बोल दिया नहीं, जैसे मुस्लिम लीग यहाँ पे बोल दिया नहीं और हम लोग बोल रहे थे कि चाहिए भाई वन सोल्यूशन. इन मे 1939 a white paper by the British was much more favorable to the Palestinian side. सेम चीज़ यहाँ पे भी इन्होंने मुस्लिम लीग को फेवर किया था. However, the divided Palestinian leadership did not capitalize the chance. Eventually, the British decided to withdraw by 1947, leaving the Palestinian issue to the UN. UN resolution kya hai? On November 29, 1947, the UN General Assembly voted to divide Palestine into Jewish and Arab state with Jerusalem under UN control. The outraged Palestinian side rejected the resolution. Israel declared independence on March 14, 1948. The Palestinian Nakba or catastrophe. अब देखते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है. पर इससे हम लोग देख सकते हैं ब्रिटिश की पॉलिसी, हमें अगर कुछ दिखे तो हम इसमें ब्रिटिश की पॉलिसी ही देख सकते हैं. देखिए सबसे पहले ब्रिटिश पॉलिसी को अगर हम लोग ध्यान दें, दूसरा एक लाइट कलर, सबसे पहले अगर हम लोग ब्रिटिश पॉलिसी को देखें, क्या यहाँ पे कुछ सेम दिख रहा है इसराइल और इंडिया में और यहाँ पे वर्सेस उनका क्या था, वर्सेस
वर्सेस ये लोग कर रहे थे पैलेस्टीन, और यहाँ पे वर्सेस इनका चल रहा था मुस्लिम लीग। अब देखिए यहाँ पे इंडिया में इन्होंने बांग्लादेश एक डिवाइड किया, पाकिस्तान एक डिवाइड किया, और बीच में इंडिया रखा। तो 1, 2, 3। अब देखते हैं पैलेस्टीन में, इसराइल में, यहाँ भी इन्होंने वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप, तो इन्होंने यहाँ भी तीन में डिवाइड किया। क्या ऐसा हम लोग देख सकते, इनका कुछ हम लोग लाइकिंग देख सकते हैं कि क्या इनके एक ही चीज़ है और इसको थर्ड पार्ट बना दिया? तो इनकी पॉलिसी तो हमेशा एक जैसी रही है, क्या है, डिवाइड एंड रूल की, पहली बात तो ये। और बात रही इस आर्टिकल में ज्यूस की इम्पोर्टेंस की, हमें देखने को कि क्या हुआ कैसे हुआ, पील कमीशन एक याद रख सकते हैं जो आके उनको डिवाइड करता है वहाँ पे, ठीक है। उसने जेरूसलेम को अपने यूएन कंट्रोल में ले लिया, देखो यूएन तो रहता है कि अपने कंट्रोल में सब चीज़ को ले ले। ब्रिटिश मैंडेट क्या था वर्ल्ड वॉर में, तुम वर्ल्ड वॉर में इसराइल ब्रिटिश का साथ दे और वो उसे रिकॉग्नाइज करेगा, उसका जुनैद जो कॉज था उसको सपोर्ट करेगा। जुनैद कॉज क्या था, वी वॉन्ट आवर ओन कंट्री। बस इस आर्टिकल में हमारे लिए इतनी कुछ चीज़ें जाननी जरूरी थी, ब्रिटिश के पॉलिसी को कंपेयर कर सकते थे। एक बेलफोर डिक्लेरेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वही जो ब्रिटिश ने मैंने आपको बताया कि आप वर्ल्ड वॉर में साथ दो, हम आपको यहाँ पे ऐसे साथ देंगे, ठीक है। ज्यूस इन्फ्लुएंस बढ़ता रहा फिर, और ये एंटी सेमिटिज्म क्या है और जियोनिज्म क्या है, ये एंटी सेमिटिज्म क्या है और जियोनिज्म क्या है, ये इस ज्यूस को अपनी ओन कंट्री चाहिए थी, ठीक है। और एंटी सेमिटिज्म क्या है, ब्लेम ऑन ज्यूस, कुछ भी मतलब गलत हो जाता था तो ज्यूस को लगता था, लगता क्या था, लोगों को लगता था ज्यूस ने गलत किया। यही दो तीन टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वॉर के पहले वो लोग जगह खोज रहे थे, वो वहाँ पे युगांडा और अर्जेंटीना में भी आते थे, पर उनको फिर लगा कि भाई हम तो पेलिस्टीन जाके रह सकते हैं। तो बस इतना ही था इस आर्टिकल में जानने के लिए। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।